शहर के बिनबागेट परिसर स्थित होटल शाहिद दरबार में आज शाम करीब 4:30 बजे हुई अंधाधुंध गोलीबारी में कुख्यात रहे शेख हाजी शेख सरवर की मौत हो गई है। पिछले कुछ दिनों से चंद्रपुर जिले में गोलीबारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आज शाम करीब 4:30 बजे के दौरान शहर के बिनबागेट परिसर स्थित होटल शाही दरबार में अंधाधुंध गोलीबारी में कुख्यात रहे शेख हाजी शेख सरवर की मौत हो गई है। तो वहीं शिवा नामक व्यक्ति के पैर पर गोली लगने से वह गंभीर घायल होने की जानकारी है। इस घटना से फिर एक बार शहर में खलबली मची। घटना के बाद मृतक हाजी के समर्थक व परिजनों ने जिला अस्पताल में भीड़ जुटा दी। इस समय स्थिति को देखते हुए पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगा था। इस हत्याकांड को लेकर विविध तरह की चर्चाएं हो रही है। घटना के बाद समीर नामक आरोपी समेत कुल 5 आरोपियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की जानकारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुग्गो समीप नाकोड़ा निवासी पूर्व उप सरपंच शेख हाजी शेख सरवर पर कई गंभीर अपराध दर्ज थे। कुछ वर्ष पहले ही वह जेल से छूटा था और अपराध की दुनिया से दूरी बना ली थी। ऐसे में आज वह अपने कुछ साथियों के साथ शहर के बिनबागेट समीप शाही दरबार होटल में आया था। उस समय पीछे से आए कुछ लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें हाजी की मृत्यु हुई। तो वहीं एक साथी शिवा के पैर पर गोली लगी है। इस घटना के बाद शहर में हड़कंप मच गया। घटना के बाद लोगों ने हाजी को एक कार के माध्यम से सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां कुछ समय के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस समय अस्पताल के सामने समर्थकों की भीड़ लगी थी, जिसके चलते पीछे के दरवाजे से निकालकर शव को विच्छेदन गृह में लाया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक समेत रामनगर शहर व स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि हाजी पर इसके पहले भी जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वह बाल बाल बचा था। इस घटना को लेकर चर्चा है कि संपूर्ण प्लानिंग के साथ यह हमला किया गया था, परंतु यह हत्याकांड की वजह क्या है, कौन कौन शामिल है, यह पुलिस की जांच में खुलासा होगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन ने बताया कि 5 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे वेपन जब्त कर पूछताछ जारी है।